आप सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको हमने अभी दिखा दिया है। बहुत इजी है आपको रिजल्ट देखना, अनाउंस्ड ऑन 13th में दिखा भी रहा है और आ भी गया है। दो तीन लिंक है, हो सकता है सर्वर बहुत बिजी हो जाए, आप रोल नंबर डालोगे, स्कूल नंबर डालोगे, एडमिट कार्ड आईडी डालोगे और सबमिट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट देख रहे हैं उनको ये काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा परेशानी उनको हो जाएगी अदरवाइज। क्योंकि देखो रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का हो या किसी बोर्ड का हो, वो रिजल्ट आने का आपके सीयूईटी एग्जाम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत इत्मीनान से समझिए किन किन बातों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं खुद मैंने अपनी पढ़ाई बीएचयू से की है और आपको लगातार कई वर्षों से गाइड कर रहा हूं। आप सबको पीजी के लिए काफी बेहतरीन हमने गाइड किया है, यूजी में भी अब सारी सिस्टम सारी व्यवस्थाएं सारे चीज हम आपको अपडेट करते रहेंगे। समझना ये है कि एनटीए ने यूजी सीयूटी का डेट तो अनाउंस किया ही था, लेकिन आप जब सर्च कर रहे हो एडमिट कार्ड तो एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुआ है, रिलीज दिखा रहा है। कहीं भी इंफॉर्मेशन सोर्स पे देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा और सीधे वेबसाइट पे चले जाओगे तो ये दिखाई देगा। तो पहला काम ये करना है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों कि आपको जाना है अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। रिजल्ट जो ही आप चेक करोगे तो रिजल्ट चेक करने में आपको हो सकता है बहुत ज्यादा नंबर भी आ जाए जितना सोचा ना हो, और ये भी सोचा हो कि एक्सपेक्टेड यानी जितना सोचा था उतना नहीं आया, एज मच एज व्हाट आई थॉट नहीं आया नंबर ये। अब दिक्कत इस बात की है कि वो नंबर जो आया नहीं, वो नंबर अब आप उसको लेकर के बैठ जाओगे अभी कि सर मेरा कम आ गया, मेरा ज्यादा आ गया। तो भैया देखो एग्जाम में ना सीबीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, वो एग्जाम देना एक अलग प्रोसेस है और आपको ये कंपटीशन एनटीए का एग्जाम निकालना ये एक अलग प्रोसेस है। तो आपको क्या नहीं करना है उसको दिमाग में लेकर के बैठना नहीं है। आपको पास मार्क्स से नंबर है 60-70%, 80%, 90%, 99%, 100% तक भी आ जाए तो ना ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा क्या करना है दुखी होना है, क्योंकि दोनों के केस में 2 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के, आपका हो जाएगा लॉस। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोई बच्चा फेल हो जाएगा तो उसके लिए तो ये एग्जाम देना महत्वहीन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लेस हो जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बी श्योर कि आप जब भी आपका मार्क्स आए, डिक्लेयर्ड आए, आप अपने परसेंटेज या नंबर हमें बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लेकिन सीयूईटी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि देखो सीयूईटी का एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन तो पहले भी दिया हुआ था और एनटीए, हमें ऐसा लगता था कि एनटीए में कुछ सुधार हुआ है जो कुछ वर्षों में, पिछले साल तक आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के ठीक एक दिन पहले तक दिया जाता रहा। ये बदमाशी ही है कि आपको यही नहीं पता है कि एग्जाम सिटी सेंटर कहाँ है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो आपको यही संभाल के रखना है कि आपको बेचैन नहीं होना है, अपने आप को संभाल के रखिए, आपको बच के रहो, आपके सारे काम हो जाएंगे, इत्मीनान से रहिए, ठीक है। सो रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, सीयूटी यूजी का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, जैसे आएगा हम आपको बता देंगे, बताने के साथ साथ हम आप तक पहुंचा देंगे सारी जानकारी। थैंक यू सो मच।